कोई जनहित के कार्यों से राज्य के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। 5 दिन का जो सत्र था, एक बार भी जनता के लिए इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग पूरे जवाब के साथ तैयार थे और इतना सकारात्मक हम लोगों ने निर्णय जितना लिया था, जवाब इतना सकारात्मक था, हालांकि वो तो सारा रिकॉर्ड में आ ही गया, लेकिन जनता के हित के लिए, बिहार के हित के लिए भाजपा को जो है कम से कम क्वेश्चन आंसर तो कम से कम जो है वो चलने देना चाहिए। आप लोग भी देख रहे, हम लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन सेशन जो है हम लोगों ने चलाने का काम किया, ठीक है। तो आपको आपको मंत्री जी ने, सुनील जी ने जवाब दे दिया, कांग्रेस भी क्या अलग क्या आप कौन कौन चुप है, किस बारे में चुप है, किसके कौन से दो लोग की मौत हुई है? नहीं नहीं, आप ये बताइए ना, आप लोग जो हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, जैसे बीजेपी का हरकत रहता है वही काम जो है, मुआवजा मुआवजा मुआवजा। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी बात बिहार की जनता के सवाल, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई ये मुद्दा नहीं है, और ये भाजपा के लोग जो आंकड़ा कितने लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कार्रवाई कर रहे, तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था, तो आंकड़े तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहाँ तो लोग खामोश हैं, तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगे हैं क्या, 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? आप पूछे हैं, आप हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था। अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ के स्टूडेंट्स IIT, NIT, मेडिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेवाओं में लहरा रहे हैं परचम। चुने अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फी में 100% और बॉयज के लिए 50% डिस्काउंट। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर करियात काटी मुजफ्फरपुर। फॉर्म्स एंड प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल एट लेनिन चौक, चक्कर रोड एंड जुरन छपरा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।